चलो हमेशा के जैसे एक्सेप्टेंस और सच्चाई के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं कि यकीन मानो मुझे इस बंदे के बारे में, इस फिल्म के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, नथिंग। लेकिन उसके बावजूद मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। फिल्म का नाम है शुरोंगो। शुरोंगो का मतलब होता है सुरंग, जो खुदाई करके अंदर से आर पार आना जाना होता है, या फिर बहुत तरह के सुरंग होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई सुरंग, ये जो कहानी दिखाया जा रहा है, मैंने 3-4 दिन पहले ये ट्रेलर देखा और ये जैसे ट्रेलर आया, ये मुझे ट्रेलर कम टीजर ज्यादा लगा। पर जैसे इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए आगे बढ़ा तो पता चला ये फिल्म ऑलरेडी बकरीद में रिलीज हो चुकी थी। अब इसको जो है इंडिया में वेस्ट बंगाल में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। 21 जुलाई को ये मूवी थिएटर में लगने वाली है। इस बारे में बात अलग से होगी रिलीज को लेकर के, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंटेंट है क्या। कंटेंट के अंदर में ज्यादा कुछ नहीं समझाया जाता है, सिर्फ 2 या 3 डायलॉग मिलेंगे आपको, जिसमें मुझे वो पहला वाला लाइन हेट या ढय कुछ बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर प्यार है तो प्यार में ढय होना ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि खिंचाव, अट्रैक्शन, या फिर वो अट्रैक्शन होना चाहिए आसपास में, जिसके वजह से तुम कुछ भी कर गुजरो। उसके बाद से दिखाया जाता है बंदे का कैरेक्टर, द मिस्टीरियस, द रफनेस, इसके अलावा जो उसके अंदर में एक जिद है और वो किसी चीज को पाने के पीछे पड़ा हुआ है, और वो जिस चीज के पीछे में पाने को पड़ा हुआ है वो एक लड़की है, या फिर औरत है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो औरत दिख रही है वो शादीशुदा टाइप दिख रही है। पर ये बंदे की जिद मुझे वहां पे दिखती है जब वो सुरंग खोद रहा है, और खोदते खोदते साइड में, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, साइड में उस लड़की का फोटो लगा हुआ है, यानी वो उसको देख देख करके सुरंग खोद रहा है। अब ये सुरंग की खुदाई हो क्यों रही है और इसके पीछे का मेन मुद्दा क्या है, इस बात को बताने के लिए फिर फीमेल जो कैरेक्टर है, मतलब जो हीरोइन है, उसका डायलॉग आता है कि जिसके पास पैसे ना हो वो शादी करने की हिम्मत भी ना करे, यानी जिसके पास औकात नहीं वो शादी ना करे। अब इस लाइन का मेन मतलब जो है आपको समझने के लिए पूरा फिल्म देखना पड़ेगा। अगर मैं इसी ट्रेलर को दोबारा देखने के लिए थोड़ा पीछे जाता हूँ, 1-2 महीने पीछे, मतलब जब ये बकरीद से पहले आ रहा था फिल्म, तो ट्रेलर आया था, उस ट्रेलर को जब मैं देखने के लिए बैठा तो देखने के बाद मैंने बोला नहीं, सब कुछ बंद करते और फिर से एक फ्रेश माइंड से देखते हैं। तो जब फ्रेश माइंड से देखा गया तो ये पता चलता है कि भाई सिर्फ म्यूजिक और कट्स के ऊपर में पूरा ट्रेलर सेट है, और उतने में ही भाई आग लगा डालता है ये ट्रेलर। अब इस बंदे का नाम उस ट्रेलर में तो बताया कि वो मसूद है, और मासूद बोलता है, मेरे दिमाग में कुछ और ही आ रहा होता है कि इसमें कुछ गाली वाली तो नहीं ना दिया है, लेकिन एग्जैक्टली उसका नाम मसूद है, जिसको बोलता है मासूद, तो अजीब लगता है सुनने में। और ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है, ये भाई साहब मतलब क्या ही कर रहे हैं, मुझे दिमाग हिला गया। जो इसमें फीमेल कैरेक्टर है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग मतलब अलग लेवल पे भाई, कुछ अलग लेवल पे। और फिल्म मेकिंग का असली मज़ा अगर आपको जानना है, इसको देखना बनता है। ये 21 जुलाई को आने वाला है। मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि इसकी स्क्रीनिंग जबरदस्त तरह से हर जगह पे मिलनी चाहिए, लोग देख करके एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर है जिसके सक्सेसफुल होने के बाद बांग्लादेश की तरफ से सोचा गया कि भाई इस मूवी को हम वेस्ट बंगाल में भी रिलीज करेंगे। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि बंगाली समझने में प्रॉब्लम होगी, अगर सब टाइटल हुआ तो बेस्ट है, क्योंकि ये वो बंगाली नहीं है जिसको मैं बेसिक तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने ट्रेलर देख करके तो भाई समझ गया मैं क्या है। बहुत बड़ी जिद है। थोड़ा सा एक क्लू निकल करके आया है कि एक लुटेरा था, मतलब एक आदमी ने बैंक लूटा था, बैंक लूटते समय में उसको खुद नहीं पता था कि कितने पैसे अंदर में है और वो कितना लेके जाने वाला है, वो किस लिए लूटा था, क्यों लूटा था। जो वहाँ पे लड़की दिखाया जा रहा है उसके साथ में उसका प्रेम संबंध किस लेवल पे था, यही सारी चीज़ इसमें दिखाया जाने वाला है। जो कलर ग्रेडियंट दिख रहा था भाई एकदम इंटेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक फाग, जिस तरह से उसमें हंसता है वो बंदा, उसका नाम नहीं पता, इरफानी या कुछ तो नाम है वो बंदा, मतलब जिस तरह से क्लाइमेक्स में हंसता है, मतलब ट्रेलर के क्लाइमेक्स में फाड़ है। शाहरुख खान जैसे यहाँ पे अपना प्रीव्यू नाम का एक चीज लेकर गया है, जो कि ट्रेलर का ही दूसरा नाम है, वैसे ही इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज करते समय में इसका नाम दिया गया था फोर टेस्ट। मतलब जब मैं लिखा कि शुरोंगो ट्रेलर, तो भाई टाइटल में आ रहा है शुरोंगो ऑफिशियल फोर टेस्ट, मतलब वो क्या था भाई, मतलब कुछ अलग तरह से रखने का सोचा, और मैं सच बता रहा हूँ लोगों के दिल तक वो चीज़ पहुँची। दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस ट्रेलर। आई एम सो एक्साइटेड, मैं ऐसा लग रहा है कि भाई इन सारे कचरे भरी दुनिया से 500-600 करोड़ और मेगा स्टार के नाम पे जो हम लोग देख रहे होते, उससे
हजार नहीं लाख गुना करोड़ों गुना बेटर ये मूवी लगेगी और वी शुड अप्रिशिएट दिस मूवी। बांग्लादेश से बना है और पता नहीं कितने बजट में बना होगा, लेकिन हम तक तो पहुंच रही बात और हम 21 जुलाई को देखने के लिए जाने वाले हैं। आप लोग जाने वाले हैं या नहीं कमेंट सेक्शन पे जाकर फिर जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।